नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएमबीसी आवास पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन और आज आखिरी हफ्ता आखिरी दिन इस कारोबारी हफ्ते का भारतीय बाजारों में एक पुल बैक ट्रेड की कोशिश हो रही है। हम 23,000 के ऊपर निकले जरूर, आज 23,004 का उच्चतम स्तर छुआ इंडेक्स ने, उसके बाद कुछ करेक्शन आया, लेकिन इस समय आप देखिएगा डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी, कभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकते हैं। निफ्टी बैंक 18.2 पर आता हुआ तो हल्का सा पॉजिटिव है ये, और मिड कैप इंडेक्स अब थोड़े से फॉर्म में आता हुआ, करीब 180 अंकों की बढ़त आ चुकी है स्क्रीन पर। तो ये इनफैक्ट अब तक की स्थिति है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो उस लिहाज से तेजी में ही आपको कारोबार करता दिखाई देगा। सेक्टोरली कुछ स्टॉक्स जो इस समय फिलहाल थोड़ी सी समा बांध रहे हैं उन पर अगर नजर डालें तो एक है एचडीएफसी बैंक। आज सुबह से ही तेजी में, कल बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, कुछ यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हुई है। L&T, भारती, SBI या दूसरे ट्रेड्स हैं जो मार्केट के फेवर में हैं आज तेजी की तरफ। मंदी की तरफ ऑफकोर्स ICICI बैंक, TCS और ITC के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। आज कंजम्पशन थीम थोड़ी सी बैकफुट पर आ रही है, टाटा कंज्यूमर, आपका ITC, आपका एशियन पेंट, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली, और आपने देखा ही वो FMCG इंडेक्स 200 पॉइंट का करेक्शन दिखा रहा है। ऐसे में हमारे जानकारों की अब तक की स्थिति क्या है रिटर्न्स के लिहाज से, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बात होगी आज की अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर हमारे जानकार अब करने वाले हैं फोकस। तो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर, रूपक लीडरशिप पोजीशन में 7.8% के रिटर्न्स के साथ, वीरल अब दूसरे स्थान पर आ गए 5.4% के रिटर्न्स पर, और 5% के रिटर्न्स समित कमा रहे हैं। तो इनफैक्ट समित और वीरल नेक टू नेक कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आज पहले इस मार्केट में करना क्या है, कल की धमाकेदार तेजी के बाद कितना फॉलो थ्रू आ सकता है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। समित गुड मॉर्निंग, बताइए अप्रोच क्या रहेगी कंसिडरिंग आज फिर 23,000 के न्यू हाईस पर निफ्टी पहुंचा, और तेजी बन सकती है? गुड मॉर्निंग अर्शदा, देखिए कल सेकेंड हाफ में मैसिव एक शॉर्ट कवरिंग हमने देखी थी और निफ्टी में, और आज थोड़ी फॉलो अप मूव आने के बाद 23,000 का जो एक माइलस्टोन था वो भी हमने अचीव किया है। सी नेक्स्ट अभी प्रॉब्ली हमें लगता है कि एक दो दिनों पर कंसोलिडेट हो सकता है, हायर लेवल पे अगर देखना है तो 23,080 से लेके 23,120 के लेवल्स है। एक अपवर्ड चैनल में लास्ट चार पांच महीनों से निफ्टी ट्रेड हो रहा है और अभी ये अपवर्ड चैनल लगभग 23,080 से लेके 23,120 के आसपास है, तो वहां तक आपको एक मूवमेंट आ सकती है, बट वहां पे आपको देखना है कि 23,200 का लेवल निफ्टी सरपास कर पाता है निफ्टी, अदरवाइज हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे मिलेगा। लो साइड पे लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस वापस बन गया है, जो 22,200 के आसपास बेस था वो अभी 22,500 के आसपास शिफ्ट हो गया, सो 22,500-22,700 का इमीडिएट आप सपोर्ट मान के चलिए इमीडिएटली। तो स्टॉक स्पेसिफिक ही है, आज सुबह से हम देख रहे हैं अच्छे खासे स्टॉक स्पेसिफिक ही मूवमेंट आ रही है, तो उसी पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस किया जाए, रूपक आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मेरी अप्रोच ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, मेरे ख्याल से 22,900 की इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ये टूटा तो फर्दर करेक्शन आ सकता है, ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी और अपसाइड में अगर 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिलेगा 23,200 तक, और डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस रखे और निफ्टी बैंक पर जोर दिया जाए। वीरल आपकी भी नजरें निफ्टी बैंक और NBFCs पर? या गुड मॉर्निंग, देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो लग रहा है कि अभी नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है, और मुझे लग रहा है कि PSU और प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे खासे चलने चाहिए, तो नजर उस पे ही रहेंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा चल बेहतरीन चल सकता है। तो ढूंढा जाएगा कि यहाँ से आगे कौन से बड़े ट्रेड्स रह सकते हैं। पेराल निफ्टी बैंक में अब परफॉर्मेंस की उम्मीद जरूर है। चलिए अब ट्रेड्स लेकर आते हैं जो हमारे जानकारों ने क्लियरली आइडेंटिफाई किए आपके लिए। सबसे पहले लेकर आते हैं वीरल का पोर्टफोलियो, और वीरल के लिए एक अपॉर्चुनिटी आज दो ट्रेड्स की है। सुबह में इन्होंने जीमेंस का ट्रेड बुक किया 73.05 पर, साथ ही इन्होंने प्रॉफिट बुक परसिस्टेंट सिस्टम्स JBM ऑटो में आज सुबह में किया है, एस्ट्रल कल ही एग्जिट कर लिया था। बताइए वीरल आज का नया सौदा? पहला पिक मेरा कॉनकॉर पे रहेगा, देखें तो अच्छी खासी रैली हमें देखने मिल रही है, करंटली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा गिरावट देखने मिली थी पर दो तीन दिन से पुल बैक भी मिल रहा है, लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है,
तो 1070 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए, ऊपर में टारगेट्स अराउंड 1200 के रहेंगे। 1200 के टारगेट के लिए एक तेजी वाला ट्रेड 1070 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें, ये करीब करीब 13 रुपए ऊपर अब समय आ रहा है, तो एक बाय साइड का ही ट्रेड है कॉन कॉर में। रूपक का पोर्टफोलियो देखिएगा तो रूपक ने भी आज तीनों ट्रेड्स जो PSU साइड पर इन्होंने पिक किए थे वहां पर प्रॉफिट बुक किया है, चाहे वो SJVN हो, न्यू इंडिया अश्योरेंस हो या फिर RVNL। ये PSU रैली आपने खूब राइड की रूपक, आज ध्यान किस स्टॉक पर जा रहा है? आज मेरा पहला स्टॉक रहेगा इंडस टावर पे। स्टॉक ने एक रिसेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में 385 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 344। 344 का स्टॉप लॉस और 385 का टारगेट, ये फिलहाल आपके लिए इंडस टावर पर एक बाई साइड का ट्रेड इस समय रूपक ने किया है आइडेंटिफाई, तेजी कीजिए। और आज वैसे भी वो UBS की रिपोर्ट के चलते स्टॉक थोड़े से मोमेंटम में लौट रहा है। ओके, अब आते हैं समित पर। समित ने इनफैक्ट दो ट्रेड्स कैरी किए हुए हैं, टाटा एलेक्सी और साथ ही साथ APL अपोलो। JSPL में कल एग्जिट कर लिया था, वो शॉर्ट साइड का ट्रेड था। बताइए समित, आज क्या जोड़ रहे हैं? देखिए अर्षदा, स्टार्ट ऑफ द वीक में हमने IRB इंफ्रा इंट्रोड्यूस किया था और वो स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट भी आई है, तो यही स्टॉक को हम रीइंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। इनफैक्ट ये ऐसे ही 73.5 के ऊपर आज क्लोज देता है वीकली क्लोज, तो ऑल टाइम हाई इसका क्लोज आज हो सकता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए ये स्टॉक ऑफ द वीक का पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है, तो इसलिए हम IRB इंफ्रा करंट लेवल पर बाय करने की सलाह देंगे जिसमें 69 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ 82 का टारगेट। ओके, IRB इंफ्रा स्टॉक ऑफ द वीक के तौर पर उभर कर आ सकता है, तो री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड को इस समय। पहले अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे चुका है ये समित को, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेल साइड का ट्रेड इस समय, नहीं बाय साइड का ट्रेड है, बेग योर पार्डन। 69 का स्टॉप लॉस रहेगा और 82 का यहाँ पर टारगेट रहेगा। रूपक, किस समय प्लान है नया ट्रेड जोड़ने का या फिर कुछ और टाइम लेना चाहेंगे? जी हाँ, इस समय एक और PSU स्टॉक रेडी है बाय के लिए, जो है PFC। स्टॉक ने एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स 520 तक लेके जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 464 का। 464 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा और ये काउंटर करीब 570 की तरफ बढ़ सकता है, तो 570 आपने कहा, राइट? नहीं, 520। ओके, 520 520 के लिए एक अपॉर्चुनिटी PFC में इस समय है, तो 464 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा और 520 का टारगेट रहेगा। लगे हाथ वीरल, कोई दूसरा ट्रेड आप भी जोड़ेंगे कॉनकॉर के साथ? हाँ, मैं भी एक और ट्रेड जोड़ना चाहूंगा। सेकंड पिक मेरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहेगी। ओके, नीचे से हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली है, करंटली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और डिफेंस सेक्टर भी अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, तो लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट इसमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है, तो 285 के स्टॉप लॉस ये लेवल्स पे बाय करेंगे, ऊपर में टारगेट 310 के रहेंगे। 310 के लिए एक तेजी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आप लेकर चलें। ये इनफैक्ट एक बाय साइड का कैंडिडेट पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से, आज करीब 1.5-2% ऊपर है, 285 स्टॉप लॉस, 310 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। ये हो गए ट्रेड्स हमारे जानकारों ने जो दिए हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन फिलहाल फोकस करेंगे BKG पर। BKG की चौथी तिमाही के नतीजे आए और परफॉर्मेंस अच्छा है, मुनाफा बढ़कर आया, करीब 22% की बढ़त देखने को मिली 46.6 करोड़ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी इजाफा देखने को मिला नियरली 13% का, एबिट्टा 10% ग्रो हुआ है, मार्जिन्स हाउएवर थोड़े से स्टेडी हैं 13% के आसपास। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट अब जुड़ गया है और इनसे जानते हैं कि यहाँ से आगे किस तरह का आउटलुक बन रहा है बिजनेस को लेकर, और स्पेशली ये PLI स्कीम का जो इनके हाथ फायदा मिला है वो आगे कितना और रिफ्लेक्ट होगा। कंपनी के CFO ऋषभ जैन हैं। ऋषभ, ये PLI एडजस्टेड बेसिस पर हम देख रहे हैं नंबर्स, लेकिन इसका कितना और फायदा आगे आएगा, बिकॉज आई थिंक द PLI इनकम करीब 90-100 करोड़ आपके लिए जोड़ रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। थैंक यू अशोक इनवाइट करने के लिए। सो लास्टली PLI का जो फायदा है ओवरऑल
हमें गवर्नमेंट ने 261 करोड़ का ओवरऑल बेनिफिट दिया है पीएलआई का, कैटेगरी वन जो सब्सिडी है उसमें हमने क्लोज टू 438 करोड़ कमिट किया था, तो हमने लास्ट ईयर मार्च तक फुलफिल कर दिया है। तो ये ईयर ऑन ईयर है, 6 ईयर्स की स्कीम है, हमने लास्ट ईयर जो है लास्ट 3 साल के पीएलआई का इनकम बुक किया है और नेक्स्ट 3 ईयर्स में 261 में 93 ले चुके हैं हम, तो बैलेंस जो है 170 के आसपास बाकी है फिर अगले 3 साल में लेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द कोर नंबर्स, ग्रोथ है, डिमांड सिचुएशन कैसी पैन आउट कर रही है इस समय, अगर उसका एक अंदाजा दे सके Q1 में सिचुएशन कैसी है ऋषभ? सो लार्जली हमने लास्ट ईयर ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो है, अगर एथनिक स्नैक्स की बात करें, हमने क्लोज टू 17% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ किया जो काफी अच्छा है आप अगर इंडस्ट्री देखते हैं तो, और ओवरऑल एज ए कंपनी हमने 15.5% का वॉल्यूम ग्रोथ किया है और वैल्यू ग्रोथ जो है 13.5% किया है, क्योंकि लास्ट ईयर प्राइस जो है हमने कुछ कम किए, कुछ प्रमोशन दिए, तो प्राइस जो है वैल्यू ग्रोथ जो है 13.5% के आसपास है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहा है हमारा लास्ट ईयर। हमने काफी कैपेसिटी बिल्ड की है अक्रॉस ऑल इंडिया, लास्ट क्लोज हमारे पास अभी काफी 213 प्लांट है अक्रॉस इंडिया, और वहाँ पे हमने लास्ट ईयर में अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ इंडिया बीट गुवाहाटी, हमारे जो कोर मार्केट है आसाम और बिहार प्लांट लगाए हैं, काफी फोकस मार्केट में जैसे कानपुर में साउथ मैंने प्लांट्स इन्वेस्ट किए हैं, तो काफी इन्वेस्टमेंट काफी किया है। हम ये देख रहे हैं कि अगले 2-3 साल में हम सेम वॉल्यूम ग्रोथ 13-15% ग्रो करेंगे, टारगेट करेंगे 13-15% वॉल्यूम ग्रोथ पर आप कायम रहेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप मुझे बता सके ये पैकेज स्वीट्स वर्सेस सेवरी स्नैक्स व्हाट इज डूइंग बेटर फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पैकेज स्वीट साइड पर करीब 13% तक की ग्रोथ देखने को मिली है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। जी, सो लाजमी जब ईयर के नंबर देखते हैं तो हमारा एथनिक स्नैक्स जो है 13.5% के आसपास वैल्यू ग्रोथ हुआ है, पैकेज स्वीट 14.4, लाजमी सेम है दोनों इन लाइन ऑफ कंपनीज ग्रोथ, सो दोनों सेम है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली हमें जितनी कैपेसिटी बिल्ड की है वो एथनिक स्नैक्स में की और वेजिटेबल स्नैक्स में की है, तो उसने काफी अच्छा ग्रोथ देखा। कुछ नए लॉन्चेस आप प्लान करना चाहेंगे क्या इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स ऋषभ, अलग क्या करने का प्लान करेंगे आप? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल कई कई सारे लोग ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट इज गोना कम फ्रॉम दिस एथनिक स्नैक्स बिजनेस। यहाँ पर आप भी जानते हैं और आप हमसे शायद बेहतर जानते हैं किस तरह से पी फंड्स अब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एक बड़े बड़े प्लेयर में, तो व्हाट इज रियली हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री? ये सेक्टर लास्ट 2 साल से काफी स्पॉटलाइट में रहा है हमारे आईपीओ के बाद, और काफी इसके बाद आईपीओ भी आए, आईपीओ भी आए, प्लस इस सेक्टर में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफी अच्छा बना रहा है, सो काफी बड़ी इंडस्ट्री है, लॉन्ग लाइफ काफी बड़ा है ये, तो हम अगले अगर मैं बीका जी के लिहाज से बोलूँ तो अगले 3-5 साल में वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा कर सकते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अभी भी हम क्लोज टू 70% ऑफ बिजनेस 3 मार्केट से करते हैं, राजस्थान आसाम और बिहार, तो हमारे पास पूरा रनवे ओपन है अक्रॉस, हम काफी स्टेट पे फोकस कर रहे हैं अभी, तो काफी अच्छा प्लान कर रहे हैं और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा देख रहे हैं अगले 3-4 साल। तो यहाँ पे कोई सीजनैलिटी का इंपैक्ट होता है क्या ऋषभ आप लोगों के लिए? आई नो वेडिंग सीजन के आसपास डिमांड बढ़ जाती है, बट व्हाट अबाउट द अदर सीजंस? तो लार्जली एथनिक स्नैक्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा वेस्टर्न जो स्वीट्स है, स्वीट्स क्लोज टू 13% कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस का, वहाँ पे सीजनलिटी काफी बड़ा फैक्टर करती है, क्योंकि दिवाली जो है इंडिया के लिए काफी बड़ा गिफ्टिंग गिफ्टिंग और स्वीट्स का काफी बड़ा फैक्टर होता है, तो उसमें लाजमी हमारे 65% सेल जो स्वीट की वो तो उस 2 क्वार्टर में होती है जहाँ पे मेजर फेस्टिविटी होती है। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी फूड इन्फ्लेशन का क्या रोल रहा है स्पेशली ऑन द मार्जिन्स, क्या इसीलिए मार्जिन्स हमने देखे वो 13% के आसपास थोड़े से स्टिकी हैं? तो आप देखेंगे हमारे लास्ट क्वार्टर में हमारा जो इबिट्टा था ग्रॉस मार्जिन भी 31.5% के आसपास, हमने दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में हमारे ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, आप कंपेयर करेंगे आप ओवर दिसंबर क्वार्टर, तो हमने काफी अच्छे काफी वर्क किया इसके ऊपर, प्लस हाँ हमने अभी हम जो ऑफलेट देख रहे हैं कि जो प्राइजेस ऑफ की पल्सेस है वो काफी अभी इंफ्लेशनरी ट्रेंड में है, हमने भी कुछ प्राइजेस पास ऑन करने का प्लान किया है इन सेकंड क्वार्टर, तो लाजमी उसी पे काम कर रहे हैं अभी, बट हमें ये साल जो है हम वैल्यू ग्रोथ देख रहे हैं कि हम कुछ प्राइस इंक्रीज करेंगे इस तो साल। किस तरह का प्राइस हाइक आप रफली प्लान कर रहे हैं और किन सेगमेंट्स में होगा ये? तो लाजमी एथनिक स्नैक्स एंड वेस्टर्न स्नैक्स में होगा और 2-4% के आसपास, डिपेंड प्राइसिंग पोस्ट इलेक्शन कैसे क्या प्राइस मूवमेंट होते हैं, इन हमें दिख रहा है कि हम 2-4% का प्राइस राइज करें। एंड वेस्टर्न स्नैक्स आई एम अज्यूमिंग प्राइमरली पोटैटो चिप्स, क्योंकि आलू के दाम फिर से काफी चढ़ गए हैं। बहुत तो ये रफली कैसे ट्रांसलेट करता है जो रीसेंट प्राइस हाइक आया है आपके मार्जिन्स पर, आप कितना आपको कितना पास ऑन करना पड़ेगा इसे? सो लार्जली हम लोग ऐसे पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी हम लोग काफी
स्टॉक जो हेज करके रखते हैं फॉर नेक्स्ट 6 to 9 months का, हम लोग ओवरऑल हेज करके चलते हैं, काफी हमने उसमें एफिशिएंसी बिल्ड की है, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें तुरंत पास ऑन करना पड़ता है, हमारे पास काफी स्टॉक्स होते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं कि ओवरऑल 2 से 4% का प्राइस राइज करते हैं वेस्टर्न स्नैक्स में और एथनिक स्नैक्स में, तो हम लोग ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं इस साल। सो क्योंकि जो डेटा कहता है कि पिछले एक साल में 40% के दाम बढ़े हैं सिर्फ आलू के। एक्चुअली हम हाँ जो हम लोग मल्टी 6 कैटेगरी के अंदर है, भुजिया, नमकीन, पापड़, स्वीट्स, वेस्टर्न स्नैक्स और अदर्स, तो लार्जली हम किसी एक प्रोडक्ट पे बहुत हैवीली डिपेंडेंट नहीं है, तो किसी एक रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हमारे ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन को इंपैक्ट नहीं करता है, प्रेटो हमारे लिए बहुत छोटा है ओवरऑल इन द स्कीम ऑफ थिंग, और अदर देन एडिबल ऑयल जो अभी स्टेबल है, तो अगर एक रॉ मटेरियल इंक्रीज होता है तो ओवरऑल हमारे ग्रॉस मार्जिन में इतना इंपैक्ट आता है, बिकॉज हम लोग प्रॉपरली हेज्ड हैं ग्रॉस, हम काफी की कैटेगरी में, हम किसी एक कैटेगरी पे निर्धारित नहीं है पहुंचा है। क्या कुछ हेल्दी रेंज पर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा इन द कमिंग मंथ्स? सो लाजे हम लोग के पास अभी भी हमारे पास रोज को 8 से 10 प्रोडक्ट की रेंज है जो हम हेल्दी स्नैक्स की काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया में जब हम कोई भी चीज टेस्ट करते हैं तो हम हमेशा टेस्ट को पहले प्रीफर करते हैं, और तो लाजमी हमने दोनों पे तैयारी की है, हमने टेस्ट पे भी काम कर रहे हैं और हम हेल्दियर चीजों पे भी काम कर रहे हैं, वी हैव क्लोज टू 8-10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम हेल्दियर रेंज हेल्दियर कंज्यूमर के लिए हम निकाल चुके हैं। नहीं, एंड व्हेन आई से हेल्दियर आई मीन प्राइमरीली लेस यूजेज ऑफ पाम ऑयल या फिर उसके बदले किसी और तेल का इस्तेमाल, क्योंकि वो पाम ऑयल वाली क्राइसिस हम जानते हैं वो पेप्सी पर कितनी भारी पड़ रही है, तो आप लोग उसे अबेट करने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? सो लाजमी हम लोग भी जैसे दूसरी तरह के ऑयल जैसे राइस ब्रैन हुआ, कॉर्न हुआ, कॉटन हुआ, हम काफी ऑयल यूज करते हैं, हम काफी ट्रायल्स कर रहे हैं जिससे हम लाजमी हमारे प्रोडक्ट को मोर हेल्दियर कर सकें। पर इस समय पाम ऑयल का इस्तेमाल कितना होता है प्रोडक्ट्स में? व्हाट परसेंटेज ऑफ इट इज? सो ओवरऑल इन द स्कीम ऑफ थिंग हम लोग क्लोज टू 40% पाम यूज करते हैं, बैलेंस हम अदर ऑयल यूज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच ऋषभ हमारे लिए समय निकालने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग उस हेल्थ फ्रंट पर और क्या कदम उठाएंगे, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है और बहुत बढ़िया ग्रोथ आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। 4% 2 पर बीकाजी इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकारों ने जो इस समय ट्रेड्स जोड़े हैं उसका कितना फायदा आज पोर्टफोलियो में मिल रहा है। के लिए पहले तो मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर वन में, जहां पर हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए, लेकिन मार्केट का एक्शन देखिए, 208 पॉइंट की बढ़त इस समय मिड कैप इंडेक्स में आती हुई दिखाई दे रही है, तो मोमेंटम लौट रहा है 52,621 के आसपास के लेवल्स। निफ्टी पॉजिटिव है, फ्लैट है पर पॉजिटिव है 4.2 पर, और निफ्टी बैंक में अब 70 अंकों का इजाफा। HDFC बैंक स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम इस समय है। ये काउंटर आज का बड़ा परफॉर्मर, कल से ही जो तेजी इसने पकड़ी है वो बस कंटिन्यू हो रही है, टचवुड 1500 के बियॉन्ड ये जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। पहले इस पर एक पर्सपेक्टिव लेते हैं फिर अगले ट्रेड्स पर आएंगे। समित, HDFC बैंक आई रिमेम्बर कल क्लोजिंग में 1520 टाइप की बात हो रही थी, पॉसिबिलिटी है क्या उसके पार निकलने की आज? देखिए आज बोलना डिफिकल्ट है, बट उसने जिसका इम्पोर्टेंट हर्डल था वो 1485 1490 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल था, जो लास्ट लगभग 2-3 हफ्तों से ये सरपास नहीं कर पा रहा था, वो उसने आज सरपास किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए एक दो दिनों में प्रॉब्लली ये 1525 1535 के क्लस्टर में जा सकता है, और अभी 1480 के आसपास का अच्छा सपोर्ट बन गया, तो जब तक तो ये लेवल होल्ड कर रहा है, हर एक छोटी मोटी इंट्राडे डिक्लाइन भी इसमें स्टॉक में एक बाइंग दिख सकती है, और जैसे फिर ये 1540-1550 का जोन निकलता है फिर प्रॉब्ली ये बैंक निफ्टी को अगर ऑल टाइम हाई पे जाना है तो फिर ये HDFC बैंक वहां से ये प्रोपेल कर सकता है। ओके, तो ये देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लेता है ये 1520, लेकिन अगर वो आ गया तो एक बहुत ही क्रूशल लेवल पर आ जाएगा। चलिए जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आज शेयर किए हैं उसका एक जायजा ले लेते हैं कि कौन कितना कमा रहा है आज नए ट्रेड्स के जरिए। रूपक ने इंडस टावर पर एक दाव खेला है 385 का टारगेट, 344 स्टॉप लॉस, PFC 520 की तरफ तेजी और 464 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा, इंडस टावर थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ लेकिन PFC इनके लिए 0.80% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। अब आइए आप वीरल के ट्रेड्स पर, तो कॉनकॉर जोड़ा 1200 टारगेट 1070 स्टॉप लॉस और BEL जोड़ा 310 टारगेट 285 का स्टॉप लॉस, दो PSUs हैं इनके रेडार में। कॉनकॉर ड्रैग कर रहा है लेकिन BEL 0.81-0.82% के रिटर्न्स इनको जोड़कर देता हुआ। जो समित है उन्होंने एक ही नया ट्रेड जोड़ा है, नया ट्रेड है IRB इंफ्रा 82 टारगेट 69 का स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्सी कैरी कर रहे हैं
7850 के टारगेट के लिए, और APL अपोलो भी 1822 के लिए बाय साइड का ही ट्रेड है जो इन्होंने किया है कैरी। इनके लिए APL अपोलो 0.21% जोड़ रहा है, टाटा एलेक्सिया थोड़ा सा करेक्ट हो गया है और IRB इंफ्रा 0.21% जोड़ता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। तो बीरल आगे निकल चुके हैं 10% के रिटर्न्स इनके, ये तो मामला पूरी तरह से पलट गया है। वीरल 10% के रिटर्न्स पर, रूपक अब 6% की कमाई कर रहे हैं, नियरली 5% की कमाई हो रही है समित की। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा है हमारे तीनों ही जानकारों का, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा। अब देखते हैं क्या रूपक फिर कैचअप कर पाएंगे या फिर वीरल ही बाजी मारते हैं, और ऑफकोर्स समित भी हैं गेम में अच्छे रिटर्न्स कमाते हुए। तो गुड लक टू यू जेंटलमैन। आज दोपहर 3:20 पर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर वन के विजेता से बातचीत होगी। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, बढ़िया ट्रेड्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, गुड लक टू यू। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक में जाते जाते एक बार BPCL का चार्ट आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे। 657 के लेवल्स पर 1.5% की तेजी में ये काउंटर थोड़ा फॉर्म पकड़ रहा है। आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।